राशन मिलता है? चार किलो की क्या अहमियत करते हो? एक मिनट, 80 करोड़ पर राशन दिया तो कितना लिया है? 120 रुपए, 120 रुपए ले। क्या उससे पहले नहीं मिलेगा? उससे पहले नहीं मिलेगा? एक मिनट, खा लो 4 किलो राशन। बताओ, आराम से बात। 4 किलो राशन खा सकते हो? गवर्नमेंट ने 10 तो चलान लागू कर दिए और कमाई के रास्ते बंद कर दिए। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल भ्रष्ट है। सुनो सुनो आंटी जी, एक मिनट, जाइए आप घर घर। आप तो यहाँ खड़े ना, घर घर जाइए, घरों की कंडीशन देखिए। होर्डिंग लगा रहे कि बहुत रोजगार दिया है, आप कह रहे रोजगार नहीं मिला। मैम, रोजगार पढ़े लिखे जो भी है, जो क्या नाम है, ये अनपढ़ लोग हैं उनको नहीं है ना? आप कह रहे आपके पास भी रोजगार नहीं है? पढ़े नहीं मैम, अभी नहीं है। यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? बदला आप चाहते हैं? बदलना देखो, क्यों बदले? काम नहीं करा उन्होंने, बदलना नहीं चाहते हैं। अच्छा, क्यों चाहते हैं? चाहने का क्या कारण है? आज इसके हाईवे देख, आज हाईवे देख लीजिए, आज काम ही उठपटांग है। आप मुझे ये बताइए, उन्होंने क्या नहीं किया? हाईवे उन्होंने बनाया जनता के लिए, हाईवे उन्होंने बनाया, हाईवे उन्होंने बनाया। आज 18 से 20 घंटे लोनी में लाइट आती है, ठीक है, नाली गड्ढे जो कुछ भी देख लीजिए आप, टोटली सारे काम हुआ है। आप कह रहे नहीं सर, आप यहाँ पे रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं आप? सुनो, अपने अपने में रहते हैं आप। बताइए अभी आज के टाइम में कितने घंटे लाइट आ रही है, प्लीज मुझे बताएं। 18 घंटे भी लाइट आ रही है? क्या तुम्हें लगता है 18 घंटे ही आ रही है? मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, 2 नंबर गली का। मुझे मेरी पैदाइश यहीं की है, ठीक है, हमारा पहलवान मार्केट हमारी है। बात से लाइट तो सही आ रही है, कितनी घंटे आ रही है दिन के अंदर? अगर रात को ही लाइट आती है, दिन को हम लोग काम करते हैं, पता है? दिन के अंदर कोई लाइट नहीं आती, सिर्फ 2 घंटे आती है फिर भाग जाती है, उसका कुछ पता नहीं। और आजकल तो मौसम दिखाई दे रहा है कि भाई मौसम ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से लाइट नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि लॉकडाउन हुआ, हम लोगों का काम सब बंद हो गए, लेकिन मतलब किराएदारों ने अपना किराया लिया वापस, लेकिन ये कह दिया गया भाई तुम्हारा ना किराया फ्री कर दिया जाएगा क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है, काम धंधा नहीं हो रहा है। किसने बोला? है? किसने बोला? कुछ लोगों ने फ्री भी किया। किसने बोला? न्यूज़ ने बोला, योगी जी ने बोला, सभासद ने बोला, ये प्रधानमंत्री आके कहेंगे, ये सांसद पर्सनली आके कहेंगे, न्यूज़ में कुछ कहा गया? सीएम ने बोला है, वैसे बोला यहाँ दिल्ली के, झाड़ू वाले ने भी बोला था दिल्ली में, झाड़ू वाले, मेरी बात सुनो, झाड़ू वाले ने भी बोला था जब शुरू, अरे वो दिल्ली में हो, यूपी में हो, यूपी में हो, यूपी की बात कर रही हूं, यूपी में हो, दिल्ली से क्या लेना है? ठीक है, हम यूपी में, यूपी से मतलब हमारा, सही बात है, बताओ हमारा सीएम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, चाहते फिर से रिपीट हो? बिल्कुल आएगा। अच्छा ये बताइए, महंगाई का मार कैसा लग रहा है? महंगाई नहीं है, काम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, जो काम नहीं करोगे तो घर में बढ़िया, मुझे आप बताएं कौन सा काम बढ़िया चल रहा है? हमारा सब अच्छा चल रहा है, जो हम करते हैं वो हमारा अच्छा चल रहा है। काम में मैं जानना चाहूंगा, ट्रांसपोर्टर कौन सा काम है अच्छा चल रहा है? भाई जान देखे बड़े तक, कोई सा भी काम हो, किसी भी पूछो, हरे बंदा परेशान है, लेकिन एक दो अगर ठीक ठाक है, अगर एक दो काम अगर बढ़िया चल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। पता है तुम्हें, जब पहली लहर आई, मतलब कोरोना की पहली लहर आती है, तो उस वक्त पहले सब लोग घर बैठ गए, लेकिन दूसरी बार आई तो फिर बिल्कुल काम से बैठ गए। अधूरी जानकारी सेहत के लिए हमेशा हानिकारक रहती है, तो बताए ना किस चीज के बारे में? अच्छा एक मिनट, आप ये बता दीजिए कि आपको क्या क्या काम अच्छा लगा, 3 काम आप गिनवा दीजिए, आपको क्या क्या अच्छा नहीं लगा, 3 काम। बिल्कुल, देखो जी, योगी जी ने जो काम किया है ना, वो आप मेरे को बिजली देख लीजिए, आप हाईवे देख लीजिए, आप रोड देख लीजिए, गली देख लीजिए, कोई भी काम देख लीजिए उनका, स्कूल देख लीजिए, कोई भी आप वाटर हर चीज में। अच्छा, ओके, आप बताइए भैया क्या क्या अच्छा नहीं लगा आपको? केजरी मतलब ये जो सरकार आते हुए, मेरे ख्याल से 5 साल तो ये पूरी हो ही गई है मोदी जी की, हाँ होने वाली है, इससे पहले भी मोदी जी की सरकार थी, योगी जी, ठीक है, योगी जी की सरकार थी हमारे यहाँ पे, लेकिन अभी जो काम हुआ है 2-3 साल से काम होना शुरू हुआ है, सबसे पहले कहा था 2 साल तो कोरोना में रह गए, इनके टाइम में जैसे कि ये बता रहे हैं, अखिलेश के टाइम में रोड पास हुआ, अगर वो चल गया तो योगी जी का क्या था उसमें? कुछ भी रोल नहीं था, क्योंकि रोड तो पास उन्होंने करवा दिए, तो वो तो बंदे बंदे थे, अखिलेश ने करवाए थे, वो तो मैच ने करवाए थे, अब अखिलेश आके रमायण ने मान ली। अच्छा ये महंगाई, क्योंकि सब बात रखते हैं महंगाई के ऊपर, हमें किसी चीज के ऊपर नहीं चाहिए, ना कोई हमारे घर में राशन डलवा रहा और ना ही हमारे घर में कोई पानी भर के नीचे से ऊपर ले जाएगा।
हम परेशान इस बात के, हमारी महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसका हमारा कोई जवाब नहीं। महंगाई का मार पड़ा है गरीबों के ऊपर, आप क्या कहेंगे सर? महंगाई महंगाई आप महंगाई बढ़ेगी, अब नहीं बस आप पहले महंगाई बढ़ेगी। देखो कहाँ पहुँचा, 80-90 रुपए किलो मिलता था, अब 180 रुपए किलो मिल रहा है। जो गरीब आदमी खाएगा क्या और कमाएगा क्या? पैसे वालों को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप मीडियम आदमी से पूछो तो उसकी बहुत बुरी हालत है। ठीक है, और सैलरी बढ़नी थी, मकान वाले को किराया चाहिए, शनिवार संडे का लॉकडाउन लगाते हैं, दुकान वालों की दुकान बंद है। ठीक है, हर चीज की तो दिक्कत है, लेकिन वही है ना, पैसे वाले सोते जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीडियम आदमी से पूछो ना उसे कितनी दिक्कत है। हमारा काम था यहाँ पे खाने पीने का, इस लॉकडाउन की वजह से दोनों लॉकडाउन बंद हुआ। और फ्री दे रहे नवंबर तक, कितना राशन मिलता है? 4 किलो की क्या अहमियत कर दो? 80 करोड़ रुपए राशन दिया तो कितना लिया है? 120 रुपए क्या उससे पहले नहीं मिलेगा? योगी से बेटर सीमो इस उत्तर प्रदेश, योगी राशन, अब योगी जी देखो मैडम खा लो 4 किलो राशन, बताओ आराम से बात कर रहे हो आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बात कर रहे हो मीडियम आदमी से पूछो, जो नहीं कमाता ना उसके संघा में शाम को रोटी कैसे मिलती है? काम हो रहा है जो भी, हाँ मेरी बात, मैं भी होम डिलीवरी करता हूँ, 10,000 में मुझे सैलरी मिलती है। लॉकडाउन भैया एक मिनट सैलरी रखो, लॉकडाउन लग गया ठीक है, किसकी कमाई हुई? पुलिस वालों की, मैं साफ बोल रही हूँ, चलान हो रहे दुकान के 2,000 रुपए, कमा रहे नहीं कमा रहा है? 2,000 चलान का चाहिए, मास्क का चलान हो रहा है, वो आदमी कहाँ से भरेगा? वो भी जेब में से देगा, वो भी चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने 10 चलान लागू कर दिए और कमाई के रास्ते बंद कर दिए। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल भ्रष्ट है और पुलिस प्रशासन और भी ज्यादा भ्रष्ट है। ठीक है, और परेशान है, परेशान है खाली मीडियम आदमी, हम जैसे लोग, हमें बताए हमारे घर की भी क्या स्थिति है? अभी लॉकडाउन का किराया नहीं गया हमारा, लेकिन देना है, कमाई हो। आप घर आप तो यहाँ खड़े हो ना, घर घर जाइए, घरों की कंडीशन देखिए कि 5-6 आदमी घर में मेंबर खाने वाले, एक आदमी कमाने वाला, उस पे भी लॉकडाउन की मार, तो वो क्या करेगा? मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, सुनो, जहाँ लॉकडाउन में 4 सवारी बैठती थी 3 बैठती थी, अब 1 बैठती है, कैसे हो सकता है? 400 रुपए गाड़ी के भी देने होते हैं, गैस के भी डलवाने होते हैं। जैसे मेरी बहन बोल रही है, मैं आपको एक जवाब दूंगा, कमाई हो रही है लेकिन कमाई इतनी हो गई है, जो इतनी थी ना कमाई वो आदमी की यहाँ आ गई है। जिस तरह से बताए जा रहे हैं, मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहा है, वो सारी सुविधा नहीं मिल रही। राशन मैडम जी 4 किलो 4 किलो 1 यूनिट पे आप पूरे महीने खा लेंगे 4 किलो? आप बताओ 4 किलो राशन आपको पूरे हफ्ते तो खुद ही रख लेते हैं वो? नहीं 4 किलो राशन 1 यूनिट पे। 5 साल पहले रोड कितना कितना पानी पड़ता था, 5 साल पहले कॉलेज और इंटर डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बंद था। ये मेडिकल बार खा गए लोग, बात 10 बार पास हुआ है पैसा यहाँ का और लोग खा गए। यहाँ का मैं बता रही हूँ, जितना भ्रष्ट कानून है ना, यहाँ के जितने नेता है सब भ्रष्ट है। मैं कहती हूँ कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई नेता नहीं आना चाहिए, और बस आदमी को अपने जी से जीने का हक होना चाहिए। क्या फायदा ऐसे नेताओं को जो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे? जब जो वोट चाहिए होती है तो हाथ जोड़ते हैं, और जब वोट नहीं चाहिए होती है तो खत्म कहानी, फिर कोई किसी को जानता नहीं है। 10 चक्कर काटो, उनके पास राशन कार्ड बनना है, वहाँ जाओ इस तरीके से बात करते हैं। आम इंसान परेशान है, आम इंसान महंगाई का मार पड़ रहा है, क्या चाहते हैं आप? क्या सरकार का बदलाव हो? बिल्कुल बदलाव होनी चाहिए। किसको चाहते हैं? सरकार कोई भी ऐसी आए जो गरीब आदमी की सुने। उम्मीद किससे है? किसी उम्मीद से नहीं करती मैं, केजरीवाल से उम्मीद है। केजरीवाल से आएंगे? केजरीवाल यहाँ पर यूपी के अंदर आएंगे? इतना उम्मीद है, उम्मीद है केजरीवाल से उम्मीद है। आपको आएंगे? नहीं लाएंगे, लाना पड़ेगा उन्हें। नहीं, एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी की है, बसें फ्री कर दी लेडीजों के लिए। आप सोचो, एक लेडीज के लिए नहीं, ऑल इंडिया जितनी भी लेडीज है दिल्ली में, सबके लिए बसें फ्री हुई हैं। बहुत कुछ बचता है अगर देखा जाए तो, गवर्नमेंट अगर कुछ करती है ना। वहाँ पे 3 करोड़ जनसंख्या है, 26 करोड़ है, ये भी तो फर्क तो देखो। 3 करोड़
हड़के पर जाएंगे वो 3 करोड़ के लिए। यहाँ 26 करोड़ बहुत मुश्किल है, बंदा अपना घर चलाता है तो वो बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तो वो पूरा राज्य हम है तो उसी के हिसाब से उन्हें जो भी मिल रहा है वो अपने घर से नहीं लगा रहे, समझे, अपने घर से नहीं लगा रहे। ऐसे कानून पास नहीं चाहिए, 2000 का चालान कर दो, लोग दुकान नहीं खोल सके, कमा ना सके, चालान पड़े, कहाँ से भरेंगे, जब कमाएंगे नहीं तो भरेंगे कहाँ से। अभी आप बदलाव चाहते हो? हाँ बिल्कुल, हम तो मैं तो बदलाव चाहती हूँ। ऑप्शन में कौन है, अखिलेश है, मायावती है, फूल वालों को नहीं? मैं ऑप्शन में किसी को नहीं जानती क्योंकि मैं पहली बात तो पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ, ठीक है मैं बिल्कुल, लेकिन मुझे इतना पता है हालातों को बहुत अच्छे से समझती हूँ क्योंकि मैं भी एक घर चला रही हूँ, मेरे भी बड़े बड़े बच्चे हैं, परेशानियाँ मैं भी फेस करती हूँ। लेकिन कोई भी नेता है चाहे ये भी सरकार दोबारा क्यों ना आए, लेकिन इस ढंग से तो आए कि वो गरीबों की समझे, ऐसे नहीं आए कि जैसा 2000 का चालान कर दिया दुकान खुलेगी तो चालान देना पड़ेगा। महंगाई का मार पूरी तरीके से पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रही है और हम झेल रहे हैं। अच्छा आप लोग सब कौन कौन की आपको आप किस को चाहते हैं बताओ? मैं हम तो किसी को नहीं जानते, हम तो अपनी सरकार जानते हैं बस। किसको लाने वाले आप? केजरीवाल। केजरीवाल केजरीवाल अखिलेश क्यों चाहते हैं? अखिलेश ने सब काम बढ़िया कराए थे अपनी, बिजली फ्री, आप पक्की मकान देने का वादा कर रहे हैं? हाँ वो वादा पूरा पक्का होगा। हाँ जी, अखिलेश को चाहते हैं? केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल जो कहता है वो करता है। अच्छा वो कहता है करता है जी, अब की बार जो है पूरी यूपी में अखिलेश की लहर होगी और अखिलेश की फुल फॉर्म से सरकार बनेगी। योगी जी ने विकास नहीं किया कुछ भी? कोई विकास नहीं किया, तेल 110 रुपए हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, अब राशन बांट के दिखा रहे सब जनता का पैसा है, इधर तेल महंगा कर रहे हैं, उधर पेट्रोल सिलेंडर महंगा, तो ये सब गरीब आदमियों को पैसा घूम रहा है इधर। अच्छा आप किसका सरकार बनाएंगे? हम कुछ नहीं बोल रहे, अखिलेश। अखिलेश यादव? आप भी अखिलेश का? अखिलेश क्यों पसंद है? बस अपना काम करते, काम अच्छे बच करते जी। अच्छा युवाओं को क्या रोजगार मिले? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है यहाँ। अखिलेश की पार्टी मिले हैं? मिलेगी, मिले हैं। वादा क्या, वादा पूरा नहीं किया? नहीं करा जी, नहीं करा। गरीब गरीब आज मरे। अच्छा और भी लोगों से मैं पूछती हूँ, क्या आप बताइए आप किसका सरकार चाहते हैं? केजरीवाल। आप भी केजरीवाल का चाहते हैं? क्यों केजरीवाल का क्यों चाहते? दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा आपने बताया कि योगी जी ने बहुत काम किया है, क्या युवा को रोजगार दिए? जी रोजगार मिलेगा, अभी कोरोना का माहौल मिलेगा आपकी बार से जब सरकार दोबारा बनी। बड़ी होर्डिंग लग रहा है कि बहुत मिला हुआ है, किसको मिला है? मिला मैम, अब ये देखो रोडों का विकास। कहावत होती है, बड़े बूढ़े कहावत देते हैं कि भाई हाथी के दांत दिखाने के दूसरे, खाने के दूसरे होते हैं, और आज जो होर्डिंग जो लग रहे हैं ना सिर्फ इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि उन्हें जो आगे जीतना है दिखाने के लिए सिर्फ, जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करने वाला है। ऐसे तो हर पार्टी करती है, एंड में जब चुनाव आते हैं तो बताओ किसने नहीं करे, अखिलेश की ले लो, मायावती की ले लो, किसी की ले लो, अपने करे अपने 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 जगह पे बैठ तो गए ना वो तो जनता ने इसी वजह से तो जीता है कि एक बार बीजेपी की सरकार कितने साल बाद आई थी, छोटा साल लड़ने के लिए लड़का है को दो साल 3 साल पहले कुछ काम हुआ था यहाँ पे, 2 साल से तो काम होने लगा, उन्हें दिखाई दे रहा है ना अब तो हमारी सरकार जाने वाली है, तो जब भी तो वो करके दिखा रहे हैं कि भाई ऐसे थोड़ी जाती, जनता को जो पसंद है वो उन्हें तो वोट देंगे, पसंद वाली चीज तो कर रहे हैं अब, जो तुम आज बोल रहे हो बनाए हैं दिखाने के लिए। महंगाई का मार पड़ रहा है? महंगाई का मार इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अभी वैक्सीन फ्री दे रहे हैं ये, तो वैक्सीन का पैसा सरकार हमसे ही तो लेगी, ये थोड़ी सरकार के ऊपर, हमें भी तो सरकार की आ रही है, तुम दे रहे हो हाउ टैक्स नहीं दे रहे, रोड टैक्स नहीं दे रहे, सरकार हमें भी तो हमारे भी तो फर्ज बनता है कि सरकार की हेल्प करे। हां हां तो तुमने कितना टैक्स दिया मुझे बताओ, क्या काम करते हो तुम? वादा तो किए थे, टैक्स देता हूं मैं कम करने के, हैं वादा तो किए थे ना, काम होएगा, जीएसटी लगा दी, जीएसटी को क्या फायदा हो मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या लगाया? अब सरकार बनेगी तो दोबारा से जब कोरोना जाएगा पूरी तरह सरकार तो जरूर बदलेगी, समझे, और हर साल में बदलती है चाहे कोई भी काम करे ना करे, 5 साल बाद, हाँ 5 साल की बात कर रहा हूँ। हर बार आप योगी जी को चाहते हो कुछ भी हो जाए? अच्छा आप बताइए रोजगार मिला यूपी के अंदर? नो मैम, रोजगार तो नहीं है पर हाँ योगी जाना चाहिए क्योंकि योगी के टाइम पे बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। अच्छा क्या क्या सुधार हुआ है मेरे भाई? आप ही देख सकते हो मैम, ये नहीं ये 5 साल में आप देख सकते हो, ये रोड का विकास कहाँ से कहाँ, 2 साल में कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है, आप जो ये लोग कह रहे जिनको जी बोलिए, हाँ तो भाई अंदर आ जा, चल अंदर आ जा भाई जी, देखिए ये सिर्फ 2 साल से हो रहा है, 2 साल से काम हो रहा है जो भी मैम, और आने वाले 10 साल में अगर योगी आया तो बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा।
आने वाले 5 साल फिर से देना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहेंगे। ये बता जी मैम, जिनको उल्टे सीधे कमाई करने के रास्ते पता है वही और कोई पार्टी चाहता होगा, लेकिन योगी नंबर वन है और नंबर वन रहेगा। आप कह रहे हैं कि उल्टा सीधा काम करने का, क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? नहीं मैम, इसमें कहाँ हो रहा है, देख सकते हो आप, सब नंबर वन, सब नंबर वन, एक नंबर का पैसा हो रहा है, जहाँ भी सबका नंबर वन हो रहा है। आपका कहने का मतलब? हाँ जी बिल्कुल। रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई इतना ज्यादा हो रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो फेस करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत दिक्कत तो फेस, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी रोजगार नहीं मिल रहा, पर हम चुप बैठे हुए हैं इसी मारे, क्योंकि आगे सुधार होगा। हम तो नहीं पर आगे तो क्या नाम है, आगे के तो बच्चे जो हैं, जो भी हमारे आने वाले। एक बार बता, रोजगार नहीं मिलेगा तो आप अपने कैसे खाएंगे, कैसे घर चलाएंगे? रोजगार मिलेगा, रोजगार ऐसी बात नहीं है, रोजगार मिल नहीं रहा, रोजगार मिलेगा आने वाले टाइम में मिलेगा। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे रोजगार देने का, वो जी मैं कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं कि बहुत रोजगार दिया है, आप कह रहे रोजगार नहीं मिला। मैम रोजगार पढ़े लिखे जो भी है, जो क्या नाम है, ये अनपढ़ लोग हैं उनको नहीं है ना? आप कह रहे हैं आपके पास भी रोजगार नहीं है? पढ़े नहीं मैम, अभी नहीं है, होगा आने वाले टाइम पे होगा। आपका कहना है कि 5 साल और देना चाहते हैं? अच्छा हम आपसे बात करें, अच्छा ये बताइए, क्या योगी जी का कार्यकाल से खुश है यूपी में? क्या खुश है बताइए, क्या सुविधा है हमारे यहाँ, बिजली घर जाकर देखिए आप लोग, पानी भरा होगा, गैलेक्सी बूंद आती है, पांच गोटो गोटो पानी हो जाता है, क्या क्या सुविधा है? विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हमारे यहाँ, कोई विकास नहीं। अच्छा जिस तरीके से बताया जा रहा है कि विकास हो रहा है, बहुत ज्यादा यूपी में काम हो रहा है, बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रहे हैं, वो सब झूठ है क्या? वो चुनावी होर्डिंग लग रहे हैं और कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ चुनावी होर्डिंग लग रहे हैं और किसी चीज का आप देख लो ना, कहाँ पे कुछ हुआ है यहाँ, कोई विकास नहीं हुआ। ये रोड बनवाया, ये भी 5 बार बन के वापिस हो चुका है, आप लोग इसमें हाथ कटते हैं, 5 बार ये दिखा दिए कागजों में बन गया, फिर उसके बाद दोबारा से जब भी कोई भी सरकार आती कुछ नहीं होता। अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो काम हो सकता है, वरना तो नहीं होगा। समाजवादी को लाने वाले हैं आप लोग, लेकिन समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये बताइए एक सवाल, आप लोग कह रहे हैं अखिलेश को आने, असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन के लिए कह रहे हैं क्या? अगर ओवैसी को गठबंधन करना है, एक बात बताइए, वहाँ पे वो हैदराबाद में है, वो अपनी वहाँ से भी तो लड़ सकते हैं, वहाँ गठबंधन करके क्यों नहीं करें? वहाँ जो भी करेगा विकास, पहले तो उन्हें अपना स्टेट देखना चाहिए ना, अपना स्टेट होना चाहिए उनका, सही, उनका स्टेट सही नहीं तो वो यहाँ पे आके क्या करेंगे? सिर्फ अखिलेश यादव ही एक ऐसे हैं जो विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं। उम्मीद है कुछ नहीं होगा, उन्होंने विकास कराया है, सिर्फ अखिलेश यादव की फुल फॉर्मेंस से सरकार। आप लोग सब अखिलेश को जानते हैं? बिल्कुल, ये वाली लोग जाए अखिलेश यादव, अखिलेश, अखिलेश, कोई भी पार्टी हो, बस हिंदू मुस्लिम में भेदभाव ना हो, वो पार्टी करते हैं। अच्छा हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं चाहते? नहीं, कौन पार्टी करते हैं? कौन पार्टी करते हैं हिंदू मुस्लिम? सभी लोग बताते हैं ये जो बीजेपी पार्टी है, सब हिंदू मुस्लिम भेदभाव करती है। ऐसा किसको लगते हैं हिंदू मुस्लिम करते? ये सभी को लगता है, सभी में से, जैसे सभी बीजेपी पार्टी, मेरे को भी लगता है। क्या नहीं हुआ मुस्लिम महिलाओं के लिए, हिंदू महिलाओं के लिए क्या नहीं करा योगी जी ने? हर मुस्लिम फेस्टिवल पे ये लॉकडाउन लगाते हैं, जैसे पिछली बार ईद पे लगाया, हर त्यौहार पे लॉकडाउन, पिछली बार रमजान में हमारे लगा हुआ था। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 कानून भी तो लेके आए ना? वो बात सब ओके है, मगर ये है कि ज्यादा जो फोकस जो कराया जाता है मोमडन पे कराया जाता है। हमारे यहाँ लोनी में जैसे विधायक जी हैं, ये मोमडन को ज्यादा वो करते हैं। अच्छा हाँ जी, यहाँ बहुत भेदभाव करते हैं। अच्छा आप चाहते हो कि ऐसा पार्टी है जो भेदभाव ना हो? हाँ, ऐसा कौन पार्टी है आपकी नजर में, कौन है? अखिलेश, कोई अखिलेश भी, अखिलेश यादव है, मायावती है, अखिलेश यादव जी हैं और केजरीवाल जी, मतलब इन पे दोनों पे, दोनों में से किसी एक? हाँ जी दोनों में। ज्यादा किसकी तरफ है? ज्यादा केजरीवाल, केजरीवाल की तरफ है। अच्छा ये केजरीवाल की तरफ है, आप भाई आप नहीं बोलोगे? अच्छा और